की जो हमारी वीडियो है वो है हमारी ई पंजाब स्कूल वेब पोर्टल पर। यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि आपने जो स्टूडेंट्स का डाटा है उसको आप कैसे फेच कर सकते हो फ्रॉम अनदर स्कूल। तो इस वीडियो के थ्रू हम आपको पूरा प्रोसेस बताएंगे एंड देन आप इजीली क्या कर सकते हो, स्टूडेंट के डाटा को आप क्या कर सकते हो, फेच कर सकते हो। जैसे कि अभी लेटेस्टली एक सर्कुलेट हुआ है कि जिसमें उन्होंने बताया है कि जो फिफ्थ क्लास की बोर्ड की एग्जाम थे और एट्थ क्लास के जो बोर्ड के एग्जाम थे, तो ड्यू टू कोविड-19 उनको फिलहाल क्या किया हुआ है, ऑन हॉल्ट उसको रखा हुआ है। तो वहाँ पर उन्होंने कहा है कि जो बच्चे हैं उनकी जो अगली क्लास है सिक्स, जैसे कि पांचवी के बच्चे छवीं क्लासेस में और आपके आठवीं के बच्चे नाइन्थ क्लास में क्या हो जाएंगे, प्रोविजनली आप उसको क्या कर सकते हो, एडमिट कर सकते हो, एनरोल कर सकते हो स्कूल्स में। तो वो आपने कैसे एनरोल करवाना है, कैसे आप उसको फेच करवाओगे फ्रॉम ई पंजाब स्कूल, वो हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो के थ्रू आप क्या कर सकते हो कि उन बच्चों को आप फेच करवा सकते हो इजिली फ्रॉम वन स्कूल टू अनदर स्कूल। तो इस वीडियो को टिल एंड देखिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इलियाना टेक को, और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने स्कूल में लॉगिन करना है। देखिए आपने अपने स्टूडेंट्स के डाटा को फेच करना है फ्रॉम अनदर स्कूल। देखो मैं बात कर रहा हूँ उन मिडिल स्कूल्स की जिनको लगता है कि इस प्राइमरी स्कूल के जो स्टूडेंट हैं वो हमारे स्कूल में आ सकते हैं। तो जहाँ तो वो स्कूल वाले क्या करें, मिडिल स्कूल वाले उस स्कूल के साथ कांटेक्ट करें और उनको बोलें कि अपने बच्चों की जो डिटेल है वो हमें दे दीजिए, इन बच्चों की जो हमारे स्कूल में जी आना चाहते हैं, एंड देन उनके पेरेंट्स से बात करके फिर आप क्या कर सकते हो, उनको वहाँ से फैच कर सकते हो। तो उस केस में आपको क्या चाहिए होगा, रिकॉर्ड चाहिए होगा। तो कैसे आप उसको फैच करोगे, कैसे आप उसको वो करोगे, वो हम आपको बताते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, अपने स्कूल में लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने में यहाँ पर आप क्या करोगे, अपने स्कूल का आईडी एंड पासवर्ड फिल करोगे। तो जैसे आपने लॉगिन किया, यहाँ पर आपके स्कूल की जो होम पेज है वो आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है। अब आपने अपने स्टूडेंट्स को आपने कैसे फेच करना है फ्रॉम अनदर स्कूल। तो यहाँ पर देखिए आपने स्टूडेंट मॉड्यूल में जाना है, यहाँ पर हमारे पास होता है एक ऑप्शन फेच स्टूडेंट डाटा। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, फेच करवा सकते हो स्टूडेंट के रिकॉर्ड को। तो यहाँ मैं क्लिक करता हूँ। अब देखिए यहाँ पर क्या वो पूछ रहा है कि फेचिंग स्टूडेंट्स सर्च बाय। तो आपने स्टूडेंट के पर्टिकुलर्स, जैसे कि स्टूडेंट के नाम से फादर नेम और डेट ऑफ बर्थ, इससे आपने इसको सर्च करना है। तो यहाँ पर आपको एग्जैक्ट नेम जो दूसरे स्कूल में चल रहा है, जो ऑनलाइन उन्होंने फिल किया हुआ है, वैसा ही यहाँ पर आपको नाम फिल करना पड़ेगा, सेम स्पेलिंग, फादर नेम के भी सेम स्पेलिंग एंड देन डेट ऑफ बर्थ, फिर आपको वो रिकॉर्ड शो हो जाएगा। तो अगर तो उसके पास क्या है, उसका आधार नंबर है या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है, तो आप इजीली उसको क्या कर सकते हो, यहाँ से फेच कर सकते हो। जैसे कि मैं आधार नंबर लेता हूँ, तो आधार नंबर पर जाते हैं, तो यहाँ पर देखिए वो पूछते हैं कि लास्ट सेशन से करना है या करंट सेशन। तो हमने करंट सेशन के लिए करना है। तो यहाँ पर मैं किसी एक बच्चे का आधार नंबर जो है वो फिल करता हूँ एंड देन मैं उसको शो करवाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए उस बच्चे का जो रिकॉर्ड है वो यहाँ पर आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा। यहाँ पर आपने उसको शो करना है एंड देन यहाँ से आपने क्या करना है, उसको ऐड कर लेना है। तो यहाँ पर उसकी डिटेल आ जाएगी, उसको किस क्लास में आपने ऐड करना है, वो क्लास आप यहाँ से सिलेक्ट करोगे, सेक्शन सेलेक्ट करोगे, वेदर चाइल्ड इज़ होमलेस, मदर टंग क्या है उसकी, एंड देन ऐड कर लोगे। ये इसकी बेसिक डिटेल यहाँ पर ऐड हो जाएगी एंड देन उसके बाद उसको एडिट करके आप उसका एडमिशन नंबर, एडमिशन डेट क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। उसके लिए आपको अपना जो डाटा है उसको अनलॉक करवाना पड़ेगा, वो बात की बात है। तो कैसे आपने उसको फेच करना है, आपने यहाँ से उसका आधार नंबर डाल के उसको आप शो करोगे। शो करने के बाद यहाँ पर शो पर क्लिक करके एंड देन आप उसको क्या कर दोगे, ऐड करोगे, उसकी जो बेसिक डिटेल है ये फिल करने के बाद। अब यहाँ पर ये तो था हमारा कि आपने स्टूडेंट के डाटा को कैसे फेच करना है फ्रॉम अनदर स्कूल। अब जैसे कि अभी आपको पता है कि लॉकडाउन प्रोसेस चल रहा है और यहाँ पर आप किसी स्कूल में नहीं जा सकते या फिर बच्चों किसी भी स्कूल में आप विजिट नहीं कर सकते हो, तो सबसे बेटर वे यही है कि जैसे कि ये एक हमारे पास एक मिडिल स्कूल है और इनको पता है कि जो हमारे प्राइमरी स्कूल के जो बच्चे हैं फिफ्थ क्लास के, मैक्सिमम ये बच्चे हमारे स्कूल में आ सकते हैं। तो उन बच्चों की डिटेल उन्होंने फिल अपने पास रख के, उन बच्चों की डिटेल जो है वो अपनी एक लिस्ट जो प्राइमरी स्कूल के टीचर हैं उनके साथ उनको फ़ोन करके आप क्या कर सकते हो, मंगवा सकते हो उस लिस्ट को, एंड देन वहाँ से उन स्टूडेंट्स के आप आधार कार्ड नंबर मंगवा लीजिए, उनके उनका जो नाम है, फादर नेम है, मदर नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, वो फिल करवा लीजिए, आप अपने पास रख लीजिए, एंड देन उसकी डिटेल को आप यहाँ से क्या कर सकते हो, फेच करवा के अपने स्कूल में ऐड करवा सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं उनके पास वो रिकॉर्ड वहाँ पर अवेलेबल नहीं है घर में, तो आप क्या कर सकते हो, उनको ये भी कह सकते हो कि आप यहाँ से रिपोर्ट सेक्शन में जाके, रिपोर्ट डैशबोर्ड में जाइए,
यहाँ पर लिखा हुआ है लिस्ट ऑफ स्टूडेंट रिकॉर्ड, यहाँ पर क्लिक कीजिए और यहाँ से लास्ट एकेडमिक ईयर की जो डिटेल है वो स्कूल वाले जो हैं यहाँ से एक्सपोर्ट करके एक्सेल में, तो कुछ इस तरह की जो आपकी एक्सेल की जो लिस्ट होगी वो आपके सामने आ जाएगी। एंड देन इसके जो प्रिंट आउट है या फिर इसका जो फोटो है वो आपको सेंड कर दें। एंड देन यहाँ से बच्चे का जो आधार नंबर है वो आपको मिल जाएंगे, स्टूडेंट का नाम मिल जाएगा, फादर नेम मिल जाएगा, डेट ऑफ बर्थ मिल जाएगी, और इन्हीं पैरामीटर के बिहाव पर आप क्या कर सकते हो, अपने बच्चे के स्टूडेंट के रिकॉर्ड को क्या कर सकते हो, आप फेच करवा सकते हो अपने स्कूल में। तो ये काफ़ी सारे आपके पास टेक्निक्स हैं, इन टेक्निक्स के चाहे तो आप स्कूल वाले से डायरेक्ट फ़ोन करके अगर उनके पास रिकॉर्ड अवेलेबल है तो वो मंगवा सकते हो, अगर उनको कहते हैं कि हमारे पास रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है तो आप यहाँ से उनको कह के कि आप अपनी रिपोर्ट की जो हमें एक कॉपी है वो आप सेंड कर दीजिए। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, स्टूडेंट्स को आप फैच करवा सकते हो ईजिली फ्रॉम वन स्कूल टू अनदर स्कूल। तो ये थी हमारी आज की वीडियो कि आपने जो स्टूडेंट डाटा है उसको आपने कैसे फैच करवाना है फ्रॉम ए पंजाब स्कूल। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूले हमारे यूट्यूब चैनल लर्नर टेक को, और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। थैंक यू सो मच, जय हिंद।